हेलो एवरीवन, दिस इज राजन हियर फ्रॉम एक्यूरिटी सर्विसेज। आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे आप आपका जो गूगल बिजनेस अकाउंट है या गूगल सूट अकाउंट है वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और वो करने से आपको एडवांटेज ये होगा कि गूगल मीट में जो रिकॉर्डिंग फीचर है वो भी आप अनेबल कर पाएंगे। तो इसके लिए गूगल पे चले जाइए और वहाँ पर डालिए बिजनेस सूट करके डाल दीजिए। अब ये डालते ही फर्स्ट जो वेबसाइट आएगा उस पर क्लिक कर दीजिए, फिर यहाँ पे स्टार्ट फ्री ट्रायल करके है उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे वो पूछेगा कि आपके बिजनेस का नाम क्या है, तो यहाँ पे मैं नाम डाल देता हूँ नारायणी करके। तो नारायणी स्कूल, अभी कितने ईमेल आईडीज या एम्प्लॉयज है आपके यहाँ पे वो आपको डालना है। अभी ये एम्प्लॉयज इसलिए पूछ रहा है क्योंकि ईमेल आईडीज आपको कितने चाहिए वो आइडेंटिफाई करने के लिए। तो अगर आपको एक ही ईमेल आईडी चाहिए तो जस्ट यू ऐसा डाल दीजिए, अगर मल्टीपल चाहिए तो आप 229 या वैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट करता हूँ मैं। यहाँ पे फर्स्ट नेम और सरनेम पूछ रहा है वो, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम में स्कूल का ये आईडी है तो मैं स्कूल का ही नाम डाल देता हूँ नारायणी, ऐसे डाल देता हूँ। करंट ईमेल आईडी, अगर आपका जो जीमेल आईडी है वो यहाँ पे डालना है, जो भी जीमेल आईडी आपका एग्जिस्टिंग है तो यहाँ पे जीमेल आईडी मैंने डाल दिया एक। फिर मैं नेक्स्ट करता हूँ। अब मैं नेक्स्ट करूंगा तो वो पूछेगा कि मतलब आपके पास खुद का डोमेन है क्या या आपको नया डोमेन खरीदना है। तो मेरे पास एक डोमेन है पहले से, इसलिए मैं यस करता हूँ। तो आई हैव अ डोमेन विच आई कैन यूज, वैसा था क्वेश्चन, तो मैंने यस किया इसलिए मैं डोमेन का नाम डालूंगा यहाँ पे। अगर आपके पास नहीं है तो आप नो कर सकते हैं और डोमेन परचेज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं नाम डाल देता हूँ मेरे डोमेन का, बिग मिस्टेक था, तो मैं नेक्स्ट करता हूँ। अब नेक्स्ट करते ही ये मुझे मेरा डोमेन दिखा रहा है कि ये डोमेन है आपका जो आपको सेटअप करना है, तो इसे मैं नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद में वो ईमेल आईडी मुझसे पूछेगा कि क्या ईमेल आईडी आपको चाहिए, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ कनेक्ट। एट द रेट जो है वो ऑटोमेटिकली आ गया। यहाँ पे मैं एक पासवर्ड भी डाल देता हूँ और ये पासवर्ड नेक्स्ट टाइम पे यूज होगा लॉग इन करने के लिए। तो जब भी आप लॉग इन करेंगे नेक्स्ट टाइम तो ये यूजर आईडी और पासवर्ड आपको डालना होगा। एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक किया तो अभी ये दिखा रहा है कि आपका जो अकाउंट है वो रेडी हो गया सेटअप के लिए, और आपका जो जीमेल है वो भी आप कॉन्फिगर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे गो टू सेटअप पे क्लिक करता हूँ। तो अभी अगर आप देखेंगे तो ये सेटअप करने के लिए स्क्रीन आ गया। यहाँ पे मैं ऐड पीपल टू गूगल सूट अकाउंट पे क्लिक करता हूँ, स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे एक ही ईमेल आईडी चाहिए तो मैं सिंगल अकाउंट डालूंगा, आई एडेड, मैं नेक्स्ट करूंगा। नेक्स्ट करके फिर अभी ये मुझे पूछेगा कि आपका डोमेन सेटअप आपको कैसे करना है। तो यहाँ पे आप मेथड चूज कर सकते हैं कि जो आपको डोमेन सेटअप के लिए करना है। तो यहाँ पे जो मैं मेथड चूज कर रहा हूँ वो ऐड रिकॉर्ड करके चूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है टेक्स्ट रिकॉर्ड एंड एमएक्स रिकॉर्ड, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। आई हैव ओपन द कंट्रोल पैनल ऑफ माई डोमेन, वैसा बोल रहा है, तो मेरा जो होस्टिंग है उसका मैं कंट्रोल पैनल ओपन कर देता हूँ। फिर यहाँ पे डीएनएस में जाऊंगा। अभी ये आपको आपके होस्टिंग में करना है या आपके डोमेन सर्विस प्रोवाइडर में करना है जहाँ पे आपका डोमेन आपने परचेस किया है। जैसे आपने डोमेन आपका गोडैडी में किया है तो गोडैडी में ये चीजें करनी होगी। तो इसके बाद में डोमेन में जाने के बाद में ये दिखा रहा है कि क्या ऐड करना है आपको। तो एक आपको रिकॉर्ड ऐड करना है, टेक्स्ट रिकॉर्ड ऐड करना है, तो एट द रेट नाम से। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, ये कॉपी कर लिया मैंने, यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा TXT करके। तो जैसे ही मैं TXT सेलेक्ट करूंगा वो मुझे पूछेगा कि ये TXT रिकॉर्ड का नेम क्या है, तो मैंने एट द रेट डाल दिया। इसका कंटेंट क्या है तो वो मैं पेस्ट कर देता हूँ वहां से जो मैंने कॉपी किया, और इसको मैं सेव कर दूंगा। जैसे ही मैं यहाँ पे सेव करूंगा यहाँ पे मैं जाके फिर बोलूंगा कि आई एडिड टेक्स्ट रिकॉर्ड, वेरीफाई दी रिकॉर्ड, आई हैव सेव दी टेक्स्ट रिकॉर्ड। अभी वापस से मैंने टेक्स्ट रिकॉर्ड सेव कर दिया, तो वो वापस बोल रहा है कि फिर से आप आपका पैनल ओपन करिए और उधर पे एमएक्स रिकॉर्ड डालिए। तो मैं मेरा पैनल ओपन कर देता हूँ और वहाँ पे एमएक्स रिकॉर्ड भी डाल देता हूँ। तो ये पांचों एमएक्स रिकॉर्ड मुझे वहाँ पे डालने होंगे। तो एमएक्स रिकॉर्ड कैसे डालना है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड पे फिर से मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा एमएक्स करके। यहाँ पे मैं मेरे मेल सर्वर का नाम डाल देता हूँ और यहाँ पे प्रायोरिटी अगर देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या प्रायोरिटी फर्स्ट वाले का है, तो वन है, तो मैं यहाँ पे वन डाल देता हूँ। वन डाल के मैं सेव करता हूँ। ऐसे ही मुझे पांचों रिकॉर्ड मेरे अपडेट करने होंगे, जो भी यहाँ पे पांच रिकॉर्ड है सबके सब मुझे अपडेट करने होंगे। अब अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने पांचों के पांचों मेरे जो एमएक्स के रिकॉर्ड है वो अपडेट कर दिया है। ये पांचों रिकॉर्ड अपडेट होने के बाद मैं वापस मैं जी सूट पे जाऊंगा और यहाँ पे बोलूंगा कि आई हैव क्रिएटेड न्यू रिकॉर्ड, आई
अब ये पूछ रहा कि अपने एग्जिस्टिंग जो MX रिकॉर्ड पे वो डिलीट किए क्या, तो वो भी मैं यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे सर्च करूंगा MX करके, नीचे नीचे चला जाऊंगा और देखूंगा कोई MX रिकॉर्ड एडिड है क्या। यहाँ पे एक MX रिकॉर्ड एडिड है, तो उसको मैं एडिट पे क्लिक करूंगा और इसे मैं डिलीट करूंगा। तो जितने आपके पहले से ही MX रिकॉर्ड एडिड है वो डिलीट करना है आपको, और ये जो MX रिकॉर्ड है वो ऐड करना है। तो मैंने डिलीट भी कर दिया, मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा आई हैव डिलीटेड एग्जिस्टिंग MX रिकॉर्ड, आई हैव सेव्ड MX रिकॉर्ड और वेरीफाई माई डोमेन, और उसके बाद में ये आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। जैसे अभी यहाँ पे दिखा रहा है योर डोमेन हैज बिन वेरीफाइड एंड ईमेल सेटअप हैज बिन डन। तो मैं इसे नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट करने के बाद में कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। तो आप यहाँ पे जो पेमेंट का डिटेल है उसके लिए यहाँ पे कंटिन्यू करिए। तो ये प्लान दिखा रहा है कि 124 रुपीज़ प्लस GST पर मंथ का जाएगा, तो यहाँ पे कंटिन्यू करिए। कंटिन्यू करेंगे तो वो पेमेंट का इन्फॉर्मेशन जो है आपका वो आपको डालना होगा। तो यहाँ पे आप एड्रेस डाल दीजिए जो भी आपका एड्रेस है वो। ये डालने के बाद में आप नीचे आपके कार्ड का डिटेल डाल दीजिए। कार्ड का डिटेल जैसे ही डालेंगे वो आपको OTP भेजेगा, आपका जो रजिस्टर्ड नंबर रहेगा आपके कार्ड का उस पर। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे आपको वो CCV पूछेगा, और आपका कार्ड डिटेल और CCV डालने के बाद में आपका OTP का स्क्रीन आ जाएगा। यहाँ पे जो भी है आपका OTP का डिटेल डाल दीजिए। जैसे ही आप OTP डालेंगे आपका पेमेंट जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा, और जो आपका अकाउंट है वो कॉन्फिगर हो जाएगा गूगल बिजनेस सूट का। तो आपको सेम यूजर आईडी और पासवर्ड यूज करना है, और इसको यूज करके आप गूगल के जितने भी प्रोडक्ट है जी सूट के अंदर सभी आप यूज कर पाएंगे, जैसे गूगल मीट है, फिर गूगल ड्राइव है, और उनका बाकी जो प्रोडक्ट है वो भी आप यूज कर पाएंगे। तो अभी मेरा गूगल बिजनेस अकाउंट जो है वो कॉन्फिगर हो गया, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका सब्सक्रिप्शन भी चालू हो गया। तो इस तरीके से हम गूगल बिजनेस अकाउंट जो है वो कॉन्फिगर कर सकते हैं। अगर ऐसे वीडियो और भी आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं, जिससे नया वीडियो जब भी हम डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आएगा। थैंक यू।